त्रिशा के कारनामों की सजा भुगतनी पड़ रही है उनके माता पिता को। जी हाँ, त्रिशा ने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम उनके माता पिता के हिस्से में भी आ रहा है। तो क्या हुआ है त्रिशा के माता पिता के साथ, ये बात हम आप सभी को बताएं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सभी चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। त्रिशा जब इंडस्ट्री में आई थी तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन काम करने के बाद त्रिशा ने अपना नाम बनाया और MMS लीक होने के बाद त्रिशा की बातें आग की तरह इंडस्ट्री में हर ओर फैल गईं। लेकिन इन सब चीजों में जहां त्रिशा शर्मिंदगी का सामना कर रही हैं, तो वहीं इनके माता पिता भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। त्रिशा पटना में इन सब चीजों से लड़ रही हैं, तो वहीं कोलकाता में इनके माता पिता। त्रिशा ने इंडस्ट्री में नाम कमाया और अपने माता पिता का सर फक्र से ऊंचा कर दिया था, लेकिन जब से इनका MMS लीक हुआ है तब से इनके माता पिता का सर शर्म से नीचे हो गया है। त्रिशा की गलती की सजा उनके साथ साथ उनके माता पिता भी भोग रहे हैं और त्रिशा भी एक कमरे में बंद डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और किससे मदद मांगे, और ना ही वो वापस अपने घर कोलकाता जा सकती हैं। कोलकाता में इनके माता पिता पहले से ही बहुत परेशान हैं। बेटे की इज्जत की धज्जिया उड़ने के बाद माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा, ये बात तो आप सभी समझ ही सकते होंगे, क्योंकि कोलकाता में भी त्रिशा की न्यूज जोरों पर है और इनके घर मीडिया वालों ने भी डेरा डंटा जमाया हुआ है। त्रिशा इस मामले पर सामने तो नहीं आ रही हैं, लेकिन उन्होंने फोन कॉल के जरिए बताया है कि यहाँ मैं परेशान हूँ और वहाँ कोलकाता में मेरे माता पिता। मेरे माता पिता से कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। त्रिशा ने आगे कहा कि मेरा वीडियो डिलीट कर दीजिए, उसे और मत फैलाइए और मेरे माता पिता को भी परेशान करना बंद कीजिए। त्रिशा ने बताया कि उनके माता पिता को जब MMS के बारे में पता चला तो मुझ पर बहुत भड़के हुए थे और मुझ पर बहुत गुस्सा भी हुए। और त्रिशा ने आगे कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे मिल गई है। त्रिशा ने आगे कहा कि मेरी माँ सभी से ये गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी ने तो सजा भुगत लिया, लेकिन जिसने भी ये वीडियो लीक किया है उसे भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। त्रिशा ने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए इंसाफ चाहती है जो कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सुख चैन हराम करके मैं उस शख्स को चैन से नहीं रहने दूंगी जिसने मेरा चैन छीना है। तो इस तरह मधु के किए की सजा उनके माता पिता को भी मिल रही है। वेल, इस खबर पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।